क्या है मीम साहब? काफी लो बाबू। थैंक्स। नो मेंसेस। अच्छी नहीं क्या? मेरी उम्र 20 साल की है, आपकी 40 की। नहीं, सिर्फ 39 की। एक साल के फर्क से पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। ये तो माइनॉरिटी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैच्योरिटी प्रॉब्लम है। आप मेरी माँ बराबर हैं, मैं आपके बेटे के बराबर हूँ। मेरा आपका माँ और बेटे का रिश्ता है। आइंदा जब भी कभी मेरे लिए कॉफी लाना, सॉसर मत लाना। अब वो कोल्ड स्टोरेज वाला ड्राफ्ट आया क्या? जी सर, मैंने कल ही बैंक में डलवा दिया था। गुड मॉर्निंग मैडम। कौन? गुड मॉर्निंग डैडी। ओ हेलो बेटी, कहाँ जा रही हो? साहब आपका फोन है। क्या जी? सुना है तुम अच्छी तरह चला लेते हो। क्या? गाड़ी। हाँ चला लेता जी। तो फिर चला मेरी गाड़ी। ड्राइविंग तो आप भी जानती हैं। इन हाथों से मैं कैसे ड्राइव कर सकती हूँ रे? चलो बीच तक जाना है। आप अपने हाथ धोकर जा सकती हैं जी। तुम्हें हुक्म मानने की सैलरी मिलती है मिस्टर, बहस करने की नहीं। बेटी क्या हुआ? देखिए ना डैडी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। मैंने इसे कहा कार ड्राइव कर दो, ये ना कर रहा है। हाँ तुम जाओ, आज को एक खास काम नहीं है तुम्हारे लिए। अरे जाओ जाओ, गो गिव मी द फाइल। यस सर। तुम कैसे चलाते हो रे? थोड़ी स्पीड और बढ़ाओ। बाय द वे तुम कहाँ तक पढ़े हो? बीकॉम। इसीलिए खामोश हो? मैं तुम्हारा जनरल नॉलेज टेस्ट करना चाहती हूँ। दुनिया में गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा स्टैचू कहाँ है? हैदराबाद के हुसैन सागर में। अगर सिनेमा हॉल औरतों से भरा हुआ हो तो कौन हंसेगा और कौन रोएगा? प्रोड्यूसर हंसेगा और साइकिल स्टैंड वाला रोएगा। गुड। अगर भिखारी के हाथ में बंदूक देकर उसे जंग में भेज दिया जाए तो वो क्या करेगा? दो गोली दान में दे दो बाबा कहकर दुश्मनों से भीख मांगेगा। परवाह नहीं, आईक्यू तो अच्छा है। अरे अरे, मेरा दुपट्टा गिर गया, जरा ठीक कर दो। ओह माय गॉड, ये काम मैं नहीं कर सकता। गाड़ी रोको। तुम क्या समझते हो मैं मस्ती के लिए ऐसा करने को कह रही हूँ? हाथों में मेहंदी रे, ठीक करो दुपट्टा। ठीक करना अच्छा नहीं लगेगा जी। तो फिर उसको बुला। ए भाई साहब, एक मिनट इधर। शर्म नहीं आती? उस अजनबी से मेरा दुपट्टा ठीक करवाओगे? आपने तो कहा था। तुम ही ठीक करो, चुपचाप ठीक करो, नहीं तो मैं डैडी को बताऊंगी। कर दूंगा जी। मलेरिया बुखार जैसे आदमी की तरह कांप क्यों रहे हो? आंखें क्यों बंद कर रखी है? इसलिए कि हाथ कहीं और जगह लगा दो और फिर सॉरी कह दो? आंखें खोल के ठीक करो। गाड़ी चलाओ। सॉरी। लीजिए। तुम्हारी खोपड़ी में कुछ है कि नहीं? हाथों में मेहंदी रे, मैं कैसे खा सकती हूँ? पास आओ और खिलाओ। आइसक्रीम किससे खाई जाती है? मुंह से। देखो तुमने कहा रखी है। सॉरी जी। पास आओ। अरे इधर आओ। अब खिलाओ।
पिघल रही है, तुम खाओ और मुझे भी खिलाओ। मेरी आंखों में देख रहे हो, तुम्हें कैसे लग रहा है? लगता है ये आइसक्रीम जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा है। अरे बुद्धू कहीं का, देखती हूँ तुम मेरे रास्ते पर कैसे नहीं आओगे। ओह, मेरी कुर्ती का जिप खुल गया, प्लीज उसे बंद कर दो। अरे जल्दी करो, किसी ने देख लिया तो। इसीलिए तो मैं भी डर रहा हूँ। डोंट वरी, दो और लेकर आओ। अरे लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहे हो, जाओ लेकर आओ। मेरे पास और पैसे नहीं है जी। ओह सॉरी, मेरे पास है, ले लो। कहाँ? यहाँ, निकाल। अच्छा नहीं लगेगा, आप निकाल कर दीजिए ना। मेहंदी रे, निकालो। छू तू? जी नहीं, लेकिन हाथ से निकालो। अरे बेटा, ये तुम्हारे मुंह पर क्या लगा हुआ है? मुंह पर? अरे ये क्या है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पता बाबा, किसने लगाई मेहंदी? अरे कोई लगा गया, तुम्हें पता तक नहीं चला? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आई लव नीलिमा। प्रसाद को ना करना पाप है, लो। क्यों रे, कल मैंने मेहंदी लगाई और आज देखा देखी तुमने भी लगा ली, क्या लाइन मार रहे हो? जी नहीं, असल में मगर मेहंदी क्या रंग लाई है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस लड़की से तुम प्यार करोगे वो भी तुम पर मर मिटेगी। प्रसाद दीजिए। प्रसाद? प्रसाद कोई किस थोड़ी है कि जहाँ चाहो वहाँ ले लो। दाहिना हाथ बढ़ाओ। घोड़ियों की तरह ये क्या, खोलो हाथ। जारी को बुलाओ। नहीं जी। आई लव नीलिमा। मैं सो रहा था, जागा तो पता चला कि थैंक्स, तुम जागी तो और तुम्हें पता तो चला। जैसे मैंने उस दिन सिनेमा हॉल में तुम्हारी ब्रा का हुक निकाल लिया था और तुम्हें पता भी नहीं चला था। याहू! हाय नीलिमा। हाय। क्यों, आज बहुत खुश नजर आ रही हो? क्योंकि मैं शर्त जीत गई। इस शर्त को छोड़ो, वो जो शर्त हमने चंद्रू के बारे में लगाई थी उसका क्या हुआ? वो शर्त तो नीलिमा हारने वाली है। हारना नीलिमा ने कभी सीखा ही नहीं। तुम लोग टॉपलेस घूमने की तैयारी करो, क्योंकि संडे को वो ये जरूर कहेगा और तुम लोग सुनोगी। बाय। हाय। जी जी,
क्यों रे, क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ? आप मुझे गलत समझ रही हैं। आपके कपड़े, अरे गोचूराम, जो लड़कियाँ स्विमिंग करने आएंगी वो साड़ी पहन के आएंगी क्या? चलो तुम भी उतारो कपड़े। मैं क्यों? मैंने तुम्हें यहाँ कीर्तन करने के लिए नहीं बुलाया है मिस्टर, स्विमिंग सिखाने के लिए बुलाया है। मैं इन कपड़ों में नहीं सिखा सकता। मैंने तो डैडी से कह दिया कि चंद्रू मुझे स्विमिंग सिखाएगा, लेकिन तुम तो ना कर रहे हो। नो प्रॉब्लम। मम्मी डैडी से कह देना कि मैंने उनकी बेटी को स्विमिंग नहीं सिखाई, इसलिए वो डूब मरी। प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो फिर सिखाओ। नहीं, मैं नहीं सिखा सकता। तो फिर तुम्हारी बैड लक, अगले जन्म में मिलेंगे। बाय। अरे नीलिमा जी, नीलिमा जी, रजनी कहाँ गई? सिकंदराबाद स्टेशन आ रहा है ना, शायद ड्रेस चेंज करने के लिए बाथरूम गई है। ट्रेन में फर्स्ट क्लास का ना होना मेरे लिए बैड लक है। तो अपने डैड से कह के हेलीकॉप्टर क्यों नहीं ले लेती? हे भगवान, जरा सा सब्र करो माँ, थोड़ी देर में स्टेशन आ जाएगा। बहुत तकलीफ हो रही है भगवान। अरे अरे, मेरी लिपस्टिक गिर गई। ललिता जरा चेन खींचो। जाना यार जल्दी कर। अरे फिर से क्या हो गया? जाने दो। अरे क्या हुआ? व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड? चेन क्यों खींचा आपने? मेरी लिपस्टिक गिर गई इसलिए चेन खींचा। लिपस्टिक गिर चुकी? लिपस्टिक के लिए, हेयर पिन के लिए, कलम के लिए चेन खींचने पर क्या होता मालूम है? क्या होगा? ललिता मिला क्या? चेन खींचना गुनाह है पता है। फाइन भरना होगा इतना ही ना। लीजिए 500 रुपीज। ट्रेन नहीं चल रही है, मेरी तो जान निकल रही है बेटा। बेटी हाथ जोड़ती हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। आई डोंट केयर। टीसी साहब जल्दी से ट्रेन शुरू करवाइए, मेरी माँ को हॉस्पिटल ले जाना है। अभी रेलवे का एम्प्लॉय हूँ सर। रुको। बेटा सर, बेटा। माँ। अरे ये रे, मिल गई। माँ, माँ, व्हाट हैपेंड? मिस्टर गार्ड, कंपार्टमेंट में एक बूढ़ी औरत मर चुकी है, मैं लाश के साथ सफर नहीं कर सकती। इन्हें उतार दो, नहीं तो दूसरे बोगी में भेज दो। मेरी माँ की मौत इसी की वजह से हुई। बाप रे, ये तो वही रेलवे खुली है। पिछले जन्म की ना जाने कौन सी दुश्मनी है इसकी, जहाँ जाओ वही पीछे पीछे चलाता है। हॉर्न बजाने के बाद भी नहीं हटी, रोड तुम्हारे बाप की है क्या?
गलती करने के बाद बचने का तरीका ढूंढ रही हो क्या प्रिया? उस दिन भी मेरा हाथ पकड़ा था ना, तो इस बार मैं कान पकड़ता हूँ। खुली जी छोड़ दीजिए ना, आप कहेंगे तो उठक बैठक भी कर लेंगे। उठक बैठक नहीं, इस गलती की सजा के रूप में ये विनायक की मूर्ति उठाएगी। इस बेचारे को ये कष्ट मत दीजिए, आप कहेंगे तो हम में से कोई उठा लेगा। नहीं नहीं, ये मैडम को ही उठाना होगा। मैं नहीं उठाऊंगी। नहीं उठाओगी तो कार का कचूमर और तुम सबका फालूदा बन जाएगा। लगता है ये सब बहुत गुस्से में, हमारा कचूमर निकाल देंगे। चलो यहाँ से, चलो 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 चलो। कॉलोनी तक गणपति की मूर्ति उठाकर लाई हो, तुम्हारा पाप तो धुल चुका है। ये लो। क्या है ये? बोझा क्या है जानता हूँ, कुली का रेट भी जानता हूँ, ये तुम्हारी मजदूरी है, रख लो। ठीक से तोलना। ललोजा, 15 तारीख को मेरे बेटे का शादी है, याद है? हाँ याद है, याद है। इतनी उम्र में भी इतना चिल्लाती हो? अरे मेरी आवाज ही ऐसी है। सुन बेटा, अगर तेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए तो वो लड़की कैसी है? दादी तुमने उसमें क्या देखा? चेहरा। जरा नीचे देखो। हो गया ना, किसी ने जल्दबाजी कर दी। चलो घर चलते हैं। दादी माँ, शाम को बैंगन का भरता बनाना मत भूलना। हाँ ठीक है ठीक है। अगर ये लड़की कहीं पर गिर जाए तो मेहरबानी करके इस एड्रेस पर पहुंचा दीजिए। ए ऑटो, अपने राजू को पुलिस वालों ने अरेस्ट किया है, चलो। क्या? नहीं है, मेरी बात का विश्वास करो। ललिता को न्याय मिलना चाहिए, छोटी हो फिर भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटी। मेरा पोता ऐसा गलत काम नहीं करेगा बेटी, तुम तो मेरा विश्वास करो। इंस्पेक्टर साहब, आप तो मेरा यकीन कीजिए, मेरा पोता बहुत सीधा है, वो ऐसा काम नहीं करेगा साहब। मैं आपके बहुत बढ़ती हूँ। उठिए चलिए। एक कुली, सर घूम गया क्या? आंखें बंद कर रखे? आफ्टर ऑल 10 रुपए के लिए बोझ उठाने वाले एक मामूली कुली होकर, कुली का पैसा नहीं मिला तो भूखा मरने वाले भिखारी होकर, बेंस कार में घूमने वाली मुझसे पंगा लोगे क्या? देख लिया ना, तुमने जो गलती की ही नहीं उसको पब्लिक में कितना कलर दे दिया मैंने, कितनी महिला संगठन भड़क उठी है। कोर्ट तुम्हें क्या सजा देगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी इस तरह की सजा से सोसाइटी में कुली नंबर 1 बनकर रहने वाले तुम रेपिस्ट नंबर 1 बन चुके हो। मेरे डैडी को सॉरी बोलने के लिए कहा था, तुमने क्या कहा? यही ना कि मेरा बिल्ला नहीं टूटेगा। अगर तुम्हें अपने बिल्ले को बचा कर रखना है और इस केस से बाहर निकालना है तो मैं एक आइडिया बताऊं। टच माय फुट, कम ऑन, पकड़ो, तुम्हारा पसंदीदा रंग है ना।
जिस दिन एक लिपस्टिक के लिए ट्रेन रोककर एक आदमी की जान ले ली थी उसी दिन समझ गया था तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। किसी मर्द को झूठे केस में फंसाने के लिए औरत के पास एक ही रास्ता है, लेकिन औरत को सबक सिखाने के लिए मर्द के पास कई रास्ते होते हैं। मैं कौन से रास्ते से आऊंगा यह बताऊंगा नहीं, लेकिन किसी न किसी रास्ते से आऊंगा, और जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। ए कोटेश्वर राव की बेटी, ये क्या नया नाटक है? हा? मैं भी जानती थी कि आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। रुपयों को उड़ाया है और डॉलर से खेली हूँ। तो मुझे दारू में क्यों डुबो रही हो? हा? बताती हूँ ना। जो कुछ भी हुआ है उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ। वो तो मैं अभी भूल गया। अपनी जिंदगी को आज एक नया रंग देना है। नया रंग? वो कैसे मेरी गुड़िया? नया नया है। राजू, 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 आपसे मुझे एक जरूरी बात करनी थी। क्या? जुलाई की 12 तारीख को। 12 जुलाई की रात को? क्या बहन, ये आपको छेड़ रहा है? मेरे हस्बैंड है, मेरे पति। जरा नशा ज्यादा हो गया, थोड़ी हेल्प कीजिए प्लीज। संभल के। ठीक है ठीक है। राजू। बोलो। राजू, बोलो ना। जुलाई की 12 तारीख की रात को तुम मेरे कमरे में आए थे ना? आया था। आकर तुमने क्या किया था याद है? बताता हूँ। आके एक बात बताकर सो जाओ ना। कमरे में आया तो हिल रहे थे। क्या? पर्दे, तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं फिसल गया था। एक बातें मत बना, जो हुआ सो बताओ। तुम्हारी सुंदरता से पागल होके मैंने निकाल दिया। क्या निकाल दिया? पैन। निकालने से पहले तुम्हारी शक्ल की मासूमियत देकर दया आ गई। सिर्फ तुम्हारी बिंदिया मिटा के अपनी लालसा जानबूझ के वहीं छोड़ के चला गया। उससे ज्यादा कुछ और तो नहीं हुआ था ना? कुछ नहीं हुआ यार। थैंक गॉड। मधु सेन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हैरान तुम्हें नहीं, मुझे होना चाहिए कि अब तुम जैसे लोग भी प्लेन में सफर करने लगे। देख लीजिए, कौन कहता कि हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर रहा। तो तुम हॉलैंड जा रहे हो? जी नहीं, आधे रास्ते में चलती प्लेन से कूद जाऊंगा। माफ कीजिएगा मैडम, ये भी कोई सवाल हुआ? अरे भाई, जब ये प्लेन हॉलैंड जा रहा है तो मैं भी हॉलैंड ही जा रहा हूँ। अब आप ये पूछेंगे मैं हॉलैंड क्यों जा रहा हूँ? मैं क्यों पूछूं? जब तुमने मुझसे नहीं पूछा कि मैं हॉलैंड क्यों जा रही हूँ। चलिए पूछो। पिछले महीने मैं मिस इंडिया चुनी गई हूँ और अब मिस एशिया के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जा रही हूँ, समझे? क्या बात है, वाह, कहाँ से कहाँ पहुँच गई आप। याद है जब हम पहली बार मिले थे तो आप किस बुरे हाल में थी, रहने तक का ठिकाना नहीं था। वो तो किस्मत से उस दिन मैं आपको मिल गया वरना। जी हाँ जी हाँ, मैं तुम्हारा एहसान भूली नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, आप अपनी सीट पे बैठिए और सीट बेल्ट फास्टन कीजिए, आगे मौसम खराब है। प्लीज। और एक बात सुन लो मिस्टर करण, एक बार मैं तुम पर बोझ बन चुकी हूँ, आइंदा तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। अरे अरे, आखिर ये क्या कर रही हैं आप? उठ रही हूँ और क्या कर रही हूँ मैं। अभी अभी तो आपने मुझसे कहा था कि आइंदा आप मुझ पर बोझ नहीं बनेंगी, और कहते ही
क्या हुआ? ये बेल नहीं खुल रहा है, जरा घंटी मार के एयर होस्टेस को बुला देना प्लीज। मैडम अभी आप मेरे और घंटी के बीच में आ चुकी हैं, ये घंटी आप ही बजा सकती हैं। ये क्या मुसीबत है? ये कुर्सी की पेटी खुल क्यों नहीं रही है? ऐसा तो नहीं क्या बहाना बना रही? What do you mean? तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं अपने आप को जो कुछ भी समझूं, मगर आपको ये समझना चाहिए कि इन्हीं बातों की वजह से मैंने आज तक शादी नहीं की। किन बातों की वजह से? यही कि शादी होगी तो बच्चे होंगे, और बच्चे होंगे तो कमबख्त गोद में खिला, और मुझे ये गोद में खिलाना विलाना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मुझे मालूम होता तुम इस फ्लाइट में आने वाले हो तो मैं किसी और फ्लाइट से आती। रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ी देर में हमारा विमान हॉलैंड के हवाई अड्डे पे उतरने वाला है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारा ख्याल है तब तक मैं यही बैठी रहूं? जी। देखिए देखिए मैडम, मर गया। अगर आप इस तरह जलबन मछली नृत्य बिन बिजली का डांस करती रहेंगी तो मेरी ये दो हड्डियां जो बची हैं वो भी टूट जाएंगी। शट अप। दीजिए, कुछ ही देर में हमारा विमान हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम पहुंचेगा। थैंक गॉड। अरे जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। आप जरा उधर देखेंगे, तब तक मैं आपके ताज से असली हीरे निकाल कर ये नकली लगा देता हूं। हो गया, आ गई, नहीं तो मैं जाने वाला था। तुम? हाँ मैं। तुम्हारी मेरे घर में इस तरह आने की हिम्मत कैसे हुई? कमाल है, एक दिन तुम सारी जिंदगी के लिए मेरे घर आओगी, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घर नहीं आ सकता? बदतमीज, तुम यहाँ आए कैसे? जानना चाहती क्यों आया था? चोरी करने आया था। चोरी बेईमानी यही काम है मेरा। जो हीरे मैंने तुम्हारे ताज में छुपाए थे वो वापस लेने आया था। समझे? मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करते होगे। पर ये काम छोड़ दूंगा, और उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगी? शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी मिस एशिया, वरना जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहोगी। अरे जाओ, बहुत है मुझसे शादी करने वाले। किसी के सामने आंख उठाकर तो देखो, उसे और तुम्हें दोनों को जान से मार डालूंगा। अब जाओ, फिर आऊंगा, सच आऊंगा। गुड बाय मिस एशिया। तुम? हाँ मैं
मैंने तुमसे वादा किया था ना कि जिस दिन मैं जुर्म और बेईमानी का धंधा छोड़ दूंगा उस दिन मैं बताऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। सो मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं मिस एशिया। वादा? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई थी और तुमने मजबूर होकर मुझसे वादा किया। छोड़ो अब इन पुरानी बातों में क्या रखा है, खुशी की बात तो यह है कि मैं आ गया हूं। हां कि ना? तुम अपने आप को समझते क्या हो और क्या समझते तुम मुझको? तुम समझते हो कि तुम्हारी बातों ने मुझ पे जादू सा कर दिया है। तुम समझते हो कि ऊपर ही ऊपर से मैं तुमसे ऐसी बातें करती हूँ लेकिन दिल ही दिल में तुम पर मर मिटी हूँ। तुम समझते हो कि एक दिन तुम मेरे घर आके दरवाजे की घंटी बजाओगे, मैं दरवाजा खोलूंगी, तुम कहोगे हाँ, मैं कहूंगी हेलो, तुम कहोगे मुझसे शादी करोगी, मैं कहूंगी हाँ क्यों नहीं। यही समझते ना तुम? हाँ समझता तो कुछ ऐसा ही हूँ। तो एक बात सुन लो मेरे हीरो, तुम ठीक समझते हो, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। क्या 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 क्या? खुशी के मारे बहरे हो गए हो क्या? बहरा नहीं, पागल हो गया हूँ।